यूक्रेन की सेना ने रूस पर सोमवार 27 फरवरी की आधी रात बड़ा ड्रोन हमला किया है। पूरी रात यूक्रेन ड्रोन हमला करता रहा और रूस उसे नाकाम करने में जुटा रहा। यह दावा रूस की राजधानी मॉस्को की ओर से किया गया है। मॉस्को का कहना है कि उसने रूसी क्षेत्र पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। रूस ने कहा कि यूक्रेन के बखमुत में दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही थी, मगर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में उन्हें दबा दिया है, इसलिए यह ड्रोन हमला उसकी खीज में किया गया। मॉस्को का यह भी कहना है कि यूक्रेन ने यह ड्रोन हमला तब किया है जब सैन्य खुफिया प्रमुख ने इसकी आशंका को खारिज कर दिया कि चीन मॉस्को को हथियारों की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर क्या है पूरा मामला। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक, एक नहीं कई बार ड्रोन से किए गए हमले। रूस की राजधानी मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर गिरा एक ड्रोन। 27 फरवरी देर रात की है घटना। हमले में किसी भी नुकसान की खबर नहीं। रूस का दावा, हमने ड्रोन हमले को नाकाम किया। 28 फरवरी को यूक्रेन ने टैंक से हमला किया। अमेरिका समेत कई देश कर रहे हैं यूक्रेन की मदद। स्थानीय रूसी अधिकारियों की माने तो 27 और 28 फरवरी की सुबह यूक्रेन की सीमा से सटे रूस के भीतर ड्रोन हमले की झड़ी लग गई, जिसमें एक ड्रोन मॉस्को से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इधर यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना के ठिकानों पर भी 28 फरवरी को यूक्रेन ने टैंक से हमला किया। उगलेदार में दोनों देशों की सेनाओं में भीषण जंग चलती रही। अचानक रूसी टैंक से हमला होने के बाद यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस ने ड्रोन हमले किए। इसके बाद रूस ने दर्जनों यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। उधर रूसी हमले में काफी बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत होने की खबर है। आमने सामने की इस लड़ाई में दोनों सेनाओं को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने की वजह से यूक्रेनी सेना में जोश नजर आ रहा है।